अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें बार बार पढ़ना और जानना पड़ता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। पूरी दुनिया को खपा रहने दो, अगर माँ बाप खुश हैं तो तुम राजा हो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है कि जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता बल्कि सीखा जा सकता है। शांत दिमाग लाइफ में किसी भी चुनौती के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बचपन में लगी ठोकर ने हमें कभी चलने से नहीं रोका, फिर आज छोटी सी हार से कैसे चलना रोक दें। सोच आपकी भले ही नई रखो, लेकिन आपके संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। मूर्खता सब कुछ कर लेगी, लेकिन बुद्धि का आदर कभी नहीं करेगी। हमेशा धैर्य रखिए, क्योंकि आसान होने से पहले सभी चीज़ें कठिन होती हैं। कल का दिन खराब था, लेकिन आने वाला आपका दिन अच्छा होगा। गलतियाँ और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, क्योंकि ये परवरिश का बेहतरीन सबूत है। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। किसी के आत्मा को दुख पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ कर्म ही पहुँचाते हैं। बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। सफल व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता, बल्कि वो काम को नए तरीके से करता है। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है, और प्रयास ना करने वाला व्यक्ति बार बार गिरता रहता है। समझदार और कामयाब इंसान खुद गलतियाँ नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप पूरी दुनिया झुका सकते हो। सम्मान वही पाते हैं जो दूसरों को सम्मान देना जानते हैं। कर्म के पास ना कागज है ना ही किताब है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब है। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशियां भी देगा अपरंपार। सम्मान वही पाते हैं जो दूसरों को सम्मान देना जानते हैं। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ खुद की मेहनत से ही मिलती है। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो आखिर में सर्वनाश करके ही छोड़ता है। मत रोए बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ये ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उसकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। नाम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। अकेले ही खुश रहना सीखो, क्योंकि दुखी करने के लिए तो दुनिया ही काफ़ी है। ज़िंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक अच्छा इंसान कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन इसके फल हमेशा मीठे ही होते हैं। सुख के लालच में ही नए दुख का जन्म होता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन आपके कर्म कभी भी आपको माफ़ नहीं करते। हमें खुद की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लाइफ में चुनौतियों से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए या तो उनका सामना करना सीखिए या फिर हार मान लेना। रोज़ रोज़ के छोटे सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं। सूखी लकड़ी और घमंडी मनुष्य कभी नहीं झुकते हैं।
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। भगवद गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जीवन में क्या करना है ये रामायण बताती है, और जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है, और जीवन में किस प्रकार जीना है ये भगवद गीता समझाती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। मर्यादा रखना ज़रूरी है। जब पैसों की कमी हो तो तब खर्चे में, और जब ज्ञान की कमी हो तब चर्चा में। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो वह दर्पण नहीं तोड़ते हैं, बल्कि हम चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वालों पर क्रोध करने की बजाय हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। प्रसन्नता तो चंदन है, उसे दूसरों के माथे पर लगाइए, उससे आपकी उंगलियां भी अपने आप महक उठेंगी। विचार एक जल की तरह है, गंदगी मिला दो तो नाला बनेगा और सुगंध मिला दो तो गंगा जल बनेगा। अपनी कमी को आप छुपा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मेहनत करके आप उसे मिटा ज़रूर सकते हैं। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, और अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करना। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह दो टाइम पास का है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बल्कि उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। अपने अंदर के डर को ख़त्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको ख़त्म कर देगा। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। आपका जन्म किसी कारण से हुआ है, उस कारण को ढूंढिए और उस लक्ष्य को पूरा कीजिए। खून और पसीने से लिखना पड़ता है सक्सेस की किताब को। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते हैं। जो भी खेत में बोते हो, हर बीज अंकुरित नहीं होता, लेकिन जीवन में किए गए अच्छे कर्म का बीज हमेशा अंकुरित होता है। जीवन में आप कितनी बार हारे हुए हैं यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। तू भी वही कर जो घड़ी करती है, चलते रहे आज नहीं तो कल, सफलता ज़रूर तेरे कदम चूमेगी। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से दांतों की नींद बर्बाद हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करना है। मेहनत की ज्वाला ऐसी होनी चाहिए कि हर मुसीबत जलकर राख हो जाए। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो दूसरों पर नहीं खुद पर ध्यान दो। आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किसी से स्पर्धा मत करो, अगर स्पर्धा करनी है तो खुद से करो। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार मेहनत करनी ही पड़ती है। इंसान से ज़्यादा मुश्किल जीवन एक बेजुबान जानवर का होता है। फर्क सिर्फ इतना है, हम अपनी मुश्किलें जाहिर कर सकते हैं लेकिन वे नहीं कर सकते हैं। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा साथी है, जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। शिक्षक वो मार्गदर्शक हैं जो आपके जीवन का मार्ग सुगम बनाते हैं। अपेक्षा अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। दुनिया में सबसे कीमती गहना आपकी मेहनत है, और लाइफ में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। बीते हुए कल के बारे में सोचकर हमेशा दुख ही मिलेगा, अगर अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आने वाले समय में ज़रूर सुख मिलेगा।
दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। कामयाब इंसान खुश होना हो, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको अपना गुलाम समझने लगे। हालात को ऐसे ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।